अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया हूं, जुल्म की कलाइयां मरोड़ कर लौट आया हूं। वो चाहता था ख़रीद ले मेरा कासा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दोनों अशार जो हैं वो मैंने नहीं कहे हैं, बल्कि ये दोनों अशार हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला ने अपनी ज़बान से कहे हैं। और आपने अपने घर से एक बयान के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला के लिए दुआएँ की थीं, जिन्होंने रिहाई के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ पेश की थीं, उन तमाम लोगों का कहिए कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला ने शुक्रिया भी अदा किया है। और साफ़ तौर पर उसमें कहा है कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएँ कं, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने और तमाम आलम इस्लाम के गयूर मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं की, ये उसी का नतीजा है जो हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला हम सबके दरमियान आज मौजूद हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं चाहता हूं कि आप ज़रा एक नज़र उस वीडियो क्लिप पर भी डालें जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला एक बहुत बड़ा पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनिए ज़रा उस वीडियो को। और खौफ किसी को रखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आज इतनी बात कह करके मैं सिर्फ दूसरों को भी पहुंचा देता हूँ। बहुत इंतजार किया है, मुझे पता है पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे से आशिकान रसूल दुआ करते रहे। पीरान इज़ाम, उलमा इस्लाम, मस्जिदों के मिंबर और मेहराब से, और घर की खवातीन, बच्चों की दुआएं, ये कभी रायगा नहीं जाएंगे। हर चीज की खबर है और यही सारी दुआएं हैं जो हमें मजबूत करके रखी हुई है। ये सारी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सलामत आपके सामने रखा है। लोगों को कुछ और ही लग रहा होगा कि गया, खत्म हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताकर रुख्सत होता हूँ। जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, जुल्म की कलाइयां मरोड़ कर लौट आया हूँ। चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और आपसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यूं ही सलामत रखे और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और आखिर में आपसे छोटी सी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको भी अपने फ़ज़ल व करम से रिहाई नसीब फरमाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।